बुधवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष राधे श्याम श्रीवास्तव को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि महानगर की कार्य समिति बैठक समय समय पर होती रहती है ताकि वर्किंग कमेटी को विश्वास दिला सके कि हमारी पार्टी के द्वारा जो पिछला और आगामी अभियान चलाया जाता है उसे सही ढंग से कर सके। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस पर सभी शक्ति केंद्रों पर योग कार्यक्रम आयोजित करके सरकार के लाभकारी योजनाओं की चर्चा आम जन के बीच करनी है तथा बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाना है, कमजोर बूथों को मजबूत करना है। इस अवसर पर दयानंद शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, वीरेंद्र नाथ पांडे, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी, अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, अवधेश अग्रहरी, शशिकांत सिंह, रूपेश गुप्ता, आनंद अग्रहरी, कृष्ण कुमार, अजमेर आलम, रमेश चंद्र गुप्ता, सत्यार्थ मिश्रा, अरविंद त्रिपाठी, विक्की कुकरेजा, अमित श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, के अथक परिश्रम और मेहनत से गोरखपुर शहर विधानसभा से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आप सभी ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री दिलाया, जिससे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी एवं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में भी आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। इसके लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लगातार पार्टी के कार्यों को करते आ रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में जैसा कि नियम है पिछले कार्यों को बताया जाए और आगामी जो कार्यक्रम है उसके बारे में उसकी रूपरेखा रखी जाए। हम सभी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस सभी मंडलों में हम सभी ने मनाया। महानगर की कार्य समिति बैठक यहाँ आयोजित है। महानगर की कार्य समिति बैठक समय समय पर होती रहती है, जो हमारी महानगर की वर्किंग कमेटी है, ताकि हम उस वर्किंग कमेटी को यह विश्वास दिला सकें कि हमें जो पार्टी के द्वारा जो अभियान और कार्यक्रम दिए गए पिछला उसका अनुमोदन किया जा सके और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की जा सके, ताकि महानगर कार्य समिति उसको अनुमोदित करती है। उसी की दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद हमेशा ये परिपाटी रही है कि सभी जिलों की कार्य समिति की बैठक आयोजित होती है, उसी निमित्त आज महानगर कार्य समिति की बैठक यहाँ चल रही है। इसमें फोरम होता है महानगर की, जो 91 की कार्य समिति हमारी होती है, हमारे पदाधिकारियों सहित 91 की कार्य समिति और हमारे जो मंडल के अध्यक्षगण हैं एवं मोर्चों के हमारे महानगर के अध्यक्षगण हैं वो कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य होते हैं। आज उन्हीं की ये बैठक चल रही है।